हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो आदिराजा पिजियन फार्म। आप कभी अपने छत के ऊपर ऐसे काले कबूतर बनाना चाहते हो, चमक वाले काले कबूतर, शाइनिंग वाले, तो यह वीडियो आप सभी भाइयों के लिए है। तो मेरी वीडियो एकदम बारीकी से और एंड तक देखिएगा तो आपके छत के ऊपर भी जो है ऐसे काले कबूतर बन जाएंगे एकदम शाइनिंग वाले। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भाई मेरा जो काम है कबूतर को नॉलेज, कबूतर की बीमारी, इसी टाइप से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो आपकी कमेंट के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, आपको काले कबूतर की नस्ल बनानी है तो उसके लिए गाइस आपको पास जो है एक काला कबूतर होना जरूरी है। अगर आपके पास काला कबूतर है तो उसके साथ जो है पूरा नीला कबूतर लगा देना है हमें, और उन दोनों का पेयर लगाना है। नीले में मेल है या फीमेल है, या ब्लैक में मेल है या फीमेल है, उन दोनों का पेयर लगा देना है। तो उनका पेयर लगाओगे तो एक तो कन्फर्म ही काला कबूतर बनेगा, और वो जो काला कबूतर बनता है उसे जो है हमें संभाल के रख देना है, उसको दाना पानी खिला के बड़ा कर देना है। बड़ा होने के बाद जो है वो मेल बनता है तो हमारे पास थी वो फीमेल है, और हमारे पास थी वो मेल है तो वो फीमेल बनी है, तो उन दोनों का हमें पेयर लगा देना है। आप उन दोनों का पेयर लगाओगे तो आपकी छत के ऊपर जो है ढेर सारे काले कबूतर दिखाई देंगे। तो ऐसे जो है आप काले कबूतर की नस्ल बना सकते हो। अभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ कि आपके पास एक भी काला कबूतर नहीं है तो आपके पास दोबाज कबूतर है, दोबाज कबूतर के साथ जो है आपको व्हाइट लगाना है, व्हाइट कबूतर, तो उसमें से एक कबूतर काला बनना तो शक्य ही है। वो काला कबूतर बनता है उसका भी सेम वैसे ही है कि हमको जो काला कबूतर बना है उसको संभाल के रख देना है अपने लोफ में, और उसको दाना पानी खिला के बड़ा करना है। उसके बाद जो है उसके साथ भी जो है हमें व्हाइट कबूतर लगा देना है, पेशियल ब्लैक के साथ जो है हमें व्हाइट कबूतर लगा देना है। तो उसमें से ही 100% एक कबूतर काला बनेगा, कन्फर्म है, क्योंकि मेरा 70 वर्ष का एक्सपीरियंस है गाइस। और वो जो काला कबूतर बनता है उसको हमें संभाल के रख देना है। संभाल के रखने के बाद उन दोनों का पेयर लगा देना है सेम वैसे ही मैंने आगे बताया वैसे, और उन दोनों का पेयर लगाओगे तो फिर भी आपके छत के ऊपर ढेर सारे काले कबूतर दिखाई देंगे। तो ऐसे आप काले कबूतर की नस्ल अपनी छत के ऊपर बना सकते हो। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप जो है काले कबूतर की नस्ल कैसे बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।